ठीक है, तो यहाँ पे हम क्लिक करेंगे फाइल में जाके, यहाँ से फोटो पे क्लिक करेंगे और यहाँ से हम लेंगे लैंडस्केप। यहाँ पर हम क्लिक करके फोटो का साइज़ लिया हमने लैंडस्केप 3.2, और यहाँ पे थोड़ा सा साइज़ में चेंज लाएंगे 3.6 बाई 2.2, और उसको करेंगे हम इसे क्रिएट, इंचीज़ में बना देख लीजिएगा। ओके करेंगे, ये आपके सामने इस तरह से क्रिएट हो जाएगा। उसको क्लिक करके अनलॉक करेंगे, ये आपके सामने आ जाएगा। अब आपने क्या करना है, सबसे पहले इसके ऊपर एक और लेयर बनानी है, तो यहाँ से आपने क्लिक करना है यहाँ पे, और यहाँ पे एक कलर लेना है और कलर लेके ओके करना है। यहाँ पर आपने ऑल्टर बैक स्पेस दबाना, जैसे ऑल्टर बैक स्पेस दबाएंगे तो फोरग्राउंड कलर जो है वो इस लेयर में भर जाएगा। ये इसकी शॉर्ट की है, फोरग्राउंड कलर भरने की, और बैकग्राउंड कलर भरने की शॉर्ट की है कंट्रोल बैक स्पेस। फिर आप एडिट में जाके फिर ट्रांसफॉर्म पर क्लिक करेंगे, और फ्री ट्रांसफॉर्म करने के बाद आप इसको इस तरीके से कम करेंगे 50% पे इसके। जैसे 50% पे लेकर आएंगे तो यहाँ पे लाने के बाद क्लिक करेंगे, मूव टूल लेंगे, एडिट में जाएंगे और यहाँ से क्लिक करेंगे, और यहाँ से एक ऑप्शन लेंगे कमांड, जिसका नाम है स्क्यू। जैसे स्क्यू कमांड लेंगे तो स्क्यू कमांड जो है क्या काम करती है, जैसे फ्री ट्रांसफॉर्म से चारों तरफ से कम होगा, एक साइड से कम होगा, मतलब दो एंकर काम करते हैं उसके अंदर, या तो नीचे वाला दोनों एंकर, या फिर ये वाले दोनों एंकर, या फिर तीन एंकर्स काम करते हैं। इसके अंदर हर एंकर को आप अलग अलग यूज़ कर सकते हैं। कैसे, जैसे कि मुझे ये हिस्सा इसका पीछे ले जाना है, तो ये देखिए सिर्फ इस कमांड से इस तरीके से ये काम इजीली हो जाएगा, और यहाँ पे क्लिक करके इसको अप्लाई करूँगा तो ये देखिए ये हमारा एक डिज़ाइन बन गया। अब इसी लेयर का हमें कंट्रोल ले करके डुप्लीकेट लेंगे, और ये डुप्लीकेट आ जाएगा। फिर यहाँ से पैंट बकेट टूल लेंगे, यहाँ से कलर सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ से कलर आ जाएगा, और इस कलर पर क्लिक करके इस पर क्लिक करेंगे वो कलर इसमें भर जाएगा। अब एक येलो है एक ब्लैक है, अब हम क्या करेंगे, ब्लैक वाले को ऊपर करेंगे, येलो वाले को नीचे रखेंगे, इसको लेफ्ट के साथ थोड़ा सा आगे की तरफ ऐसे करेंगे निकाल देंगे, तो ये देखें इस तरीके से आगे आ जाएगा। क्लिक करेंगे यहाँ पर, और यहाँ से क्लिक करने के बाद तो हमने यहाँ पर आ गए इस पर, और यहाँ से अब देखना है कि ये वाला हिस्सा कैसे बनेगा। देखिए इस वाले हिस्से को समझें और से कैसे बनेगा, ये यही वाला येलो शेप हमें यहाँ पर लेना पड़ेगा। तो यहाँ से येलो शेप लिया हमने, इस पर यही कलर मैंने सेट कर रखा है जो यहाँ पर सेट था, उसके बाद इसको मैंने यहाँ से क्लिक करके बना दिया, मूव टूल लिया और इसको यहाँ पर रखा मैंने ऊपर से, और कंट्रोल टी दबाया। ट्रांसफॉर्म करने के बाद इसको यहाँ से क्लिक करके यहाँ से आपने इसको इस तरह से दबा दिया, ठीक है, और क्लिक करना है और यहाँ से इस पर अप्लाई कर दिया, तो येलो येलो के साथ मिल जाएगा, तो ये आपको इस तरीके से दिखाई देगा। अब इसके ऊपर है वो वाइट जो पट्टियाँ हैं वो आपने कैसे लगानी, अब इस येलो ट्राइंगल के ऊपर एक पोर शेप लेना है और उसका कलर रखना है वाइट, सॉरी इसका कलर वाइट नहीं करना, उसका कलर वाइट रखना, तो रीडू कर देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर आते हैं, अब मैं यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ और इस पर क्लिक करके एक पट्टी बना रहा हूँ और उसका कलर मैं रख रहा हूँ वाइट। अब यहाँ पे नीचे इसलिए बनाया है करके ताकि वो थोड़ा सा इसको चेंज कर रहा था, मैं इसको दोबारा ऊपर ले जाऊँगा, तो ये देखें वाइट पट्टी नज़र आ गई। कंट्रोल टी दबाएंगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे, यहाँ से क्लिक करेंगे और ऐसे आगे ले जाएंगे, इस पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर क्लिक करके इसको क्या करेंगे, कंट्रोल जे करेंगे, डुप्लीकेट करेंगे और यहाँ पर करेंगे, कंट्रोल जे करेंगे और उसको डुप्लीकेट करेंगे और यहाँ पे इस तरीके से करेंगे। तो आपने देखा कितने बेहतरीन तरीके से हमने तीनों के तीनों इसके ऊपर क्रिएट कर दिए। अब उसके बाद हम इसको थोड़ा नीचे लिया है, मदद से कैसे नजर आ रहा है। अब इन पट्टियों को इस तरीके से कैसे काटेंगे, जैसे ये कटिंग होगी इसकी, इसका आसान सा तरीका ये है, आपने क्या करना है, क्योंकि येलो वाला ऑप्शन था जो यहाँ पर बनाया था, इसको पकड़ के ब्लैक वाले के नीचे कर देंगे और पट्टियों के ऊपर कर देंगे, तो इससे होगा ये कि ये आपको कुछ इस तरह से जब ऊपर आ जाएगा तो ये ऐसे दिखाई लग जाएगा। तो ये देखें कितना क्लीन इसके ऊपर इसका कटिंग एजेस ने निकाला है। अब आते हैं अगले ऑप्शन की तरफ कि इसके पीछे ट्राइंगल कैसे बनाएंगे। तो देखिए इसी शेप का एक डुप्लीकेट लेंगे, कंट्रोल जे की मदद से डुप्लीकेट हो गया, उस शेप में डबल क्लिक करेंगे और यही ब्लैक कलर उस पर फ्लैप करेंगे, ओके करेंगे। तो देखिए वो तो शेप ऐसा ही था तो ब्लैक हो गया, कंट्रोल टी करके ट्रांसफॉर्म एक्टिवेट किया और इसको इस तरीके से करके आपने कम कर लेना, क्लिक करके अप्लाई करेंगे। अब इसको ट्राइंगल बनाने के लिए एडिट पर जाएंगे, ट्रांसफॉर्म पर क्लिक करेंगे, फिर से कौन सा ऑप्शन लेंगे, स्क्यू लेंगे, और स्क्यू लेने के बाद इसको क्लिक किया और यहाँ से ले जाके आपने इसके ऊपर इस तरीके से अप्लाई कर दिया, ठीक है, और क्लिक करके अप्लाई कर दिया। तो ये देखेंगे शेप भी इसी तरीके से निकल आया जैसे कि वो मौजूद था। अब बेसिक शेप तो कंप्लीट हो गया, बाकी लिखना है इसके अंदर टेक्स्ट वगैरह ऐड करना है, तो वो हम क्या करेंगे, पहले हमने यहाँ पे ऊपर क्लिक करके एक ग्रुप ऐड करा लेना है। तो यहाँ से हमने ग्रुप ऐड करा लिया और उस ग्रुप का नाम रख दिया डिज़ाइन, और डिज़ाइन के अंदर हमने यहाँ से क्लिक किया, शिफ्ट का बटन होल्ड किया और यहाँ पे क्लिक किया और ये पकड़ के इसके अंदर ऐड करा दिया। तो ये सारा एक
ग्रुप के अंदर ऐड हो गया, जैसे कि एक फोल्डर बन गया। अब यहाँ से हम लेंगे टेक्स्ट, तो टेक्स्ट लेने के बाद हमने टेक्स्ट का चुन लिया और यहाँ पे हमने एक फॉन्ट चूज़ कर लेना है, कोई भी बेहतर फॉन्ट जो आपको लग रहा है कि इस पर यहाँ पे सही लगेगा। तो यहाँ पे क्लिक करके आपने इसको थोड़ा सा ये रेगुलर ही रहेगा, तो यहाँ पे क्लिक करके आपने अपना नाम लिख दिया, जैसे मैंने यहाँ पर नाम लिखा अपना अक्षत अली नाम लिख दिया। अच्छा देखिए, अगर इसको भी मुझे टेढ़ा करना है, और हालांकि इसके फॉन्ट में इटैलिक का फीचर नहीं है, तो इसको भी हम कर सकते हैं। यहाँ से जाके क्या करेंगे, ट्रांसफॉर्म और स्क्यू, स्क्यू करके हम इसको यहाँ से पकड़ के ये देखिए ऐसे भी कर सकते हैं। तो स्क्यू की कमांड बड़े काम की किसी भी चीज़ को आड़ा टेढ़ा करने के लिए बेहतरीन है, और ये आप इसको यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर अपना नाम लिख दिया रोशन अली, और उसके बाद इसके नीचे कुछ और टेक्स्ट ऐड करना है, जैसे IT ट्रेनर। और ये IT ट्रेनर लगाया हमने इसके नीचे, और उसके बाद क्लिक कर दिया और Ctrl+D करके ट्रांसफॉर्म एक्टिवेट किया, और उसको इस तरीके से छोटा करके और यहाँ पे लिख दिया। अब ये जो थोड़ा सा ये बारीक करके लिखना है, तो इसके लिए थोड़ा पतला फ़ॉन्ट लेना होगा। तो यहाँ पे मैं फ़ॉन्ट ले लेता हूँ, सपोज टू बी एरियल राउंड ले लेता हूँ, या फिर सिंपल एरियल ले लेता हूँ, तो वो इसका थिन वर्जन ले लेता हूँ। उसके बाद मैंने इसको जो है इस तरह से कर दिया, Ctrl+D दबा दिया और थोड़ा सा छोटा करके, और यहाँ से इसको सेट कर दिया, यहाँ पर उठा के इसको इस तरह से रखा। अब उसके बाद मुझे क्या करना है, यहाँ से शेप पे क्लिक करना है, और ये देखिए इस तरह से एक और शेप बना लेना है। और उस शेप में चाहे तो पीले और चाहे तो सफ़ेद कलर, जो भी कॉम्बिनेशन कंट्रास्ट आप लगाना चाहें इस पर लगा सकते हैं, और उसको ईजिली आप यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप ले लें इसको इस तरीके से ऊपर, ये देखिए इस तरीके से इसमें आ जाएगा, ठीक है। तो ये एक पार्ट इसका हो जाएगा ट्रेनर वाला। तो यहाँ पे फिर आप एक और ग्रुप ऐड कराएंगे, और ग्रुप ऐड कराने के बाद उस पर आप लिखेंगे यहाँ Ctrl+B नेम सेक्शन, ठीक है। तो इस पर क्लिक करके आपने यहाँ से शिफ्ट के साथ ऐड करा लेना इसके अंदर, ठीक है। अब यहाँ पर कुछ चीज़ आपको और बताता हूँ, जैसे Ctrl+B आपने यहाँ पे देखा कुछ शेप्स बने हुए हैं, अगर ये सिंबल्स में बन जाते हैं तो ठीक है, सिंबल्स में नहीं बन रहे आपको तो फिर आपको इंटरनेट से हेल्प करनी होगी, यहाँ पर आपका इंटरनेट कनेक्शन होना लाजमी है। तो जैसे इसमें एक है किसका निशान है, प्लेस का, लोकेशन का निशान है, मेल बॉक्स है, मोबाइल है, इन चीज़ों के लिए आपको ये करना पड़ेगा कि आपको गूगल पर जाना है, और ये क्या खुला हुआ है, ओके। तो यहाँ से google.com पर जाएंगे और यहाँ पे जाके लिखेंगे लोकेशन सिंबल HD PNG, जैसे लिख के एंटर करेंगे, एंटर करेंगे ये आ गया, देखिए आपके पास लोकेशन का सिंबल आ गया। अब जो अच्छा लग रहा है आप उस पर क्लिक कर लें, क्लिक करके ये पिंटरेस्ट वाला चलो कॉपी करता हूँ मैं डायरेक्टली, और यहाँ पे ला के फोटोशॉप पे डायरेक्टली यहाँ लेयर पे क्लिक करके पेस्ट कर देता हूँ Ctrl+V की मदद से, आ गया। अब इसको देखें क्लीन करने का तरीका हमारे पास बहुत आसान है, यहाँ से लेंगे हम मैजिक वॉन्ड टूल लेंगे, इसके वाइट एरिया पे क्लिक करेंगे, डिलीट का बटन दबाएंगे, तो ये देखिए अलग से हो जाएगा। Ctrl+T दबाएंगे, ट्रांसफॉर्म करेंगे, और यहाँ पे हमें लोकेशन का आइकन इस तरह से प्लेस कर देना है, थोड़ा जूम कर लें अल्टर के साथ, और थोड़ा सा छोटा करना चाहें तो उसको छोटा करके यहाँ पे इसको प्लेस कर सकते हैं, ओके, ठीक है। उसके बाद क्या है, मेल बॉक्स, तो यहाँ पे आप लिखेंगे लोकेशन सिंबल लिखा था, मेल बॉक्स सिंबल की स्पेलिंग थोड़ा गलत है लेकिन वो समझ रहा है खुद ही ला के दे रहा है रिजल्ट। तो यहाँ पे देखिए मेल बॉक्स के लिए, अब मेल बॉक्स के लिए ये वाला सिंबल बहुत अच्छा लग रहा है, तो इसको राइट बटन दबाएंगे और क्या करेंगे, कॉपी इमेज कर लेंगे और यहाँ पे ले जाके पेस्ट इमेज कर देंगे, एंड देन फिर उसके साथ क्या करेंगे, मैजिक वॉन्ड टूल लेंगे, क्लिक करेंगे यहाँ पे वाइट सेक्शन इसके निकाल देंगे एक्स्ट्रा जो इसके मामला थे, डिलीट डिलीट Ctrl+T दबाया, ट्रांसफॉर्म किया, ये एक अलग इमेज पर है, उसको एक हिसाब से छोटा करके हम उसको यहाँ पे सेंटर में सेट कर देंगे। उसके बाद क्या है, मेल बॉक्स आ गया, ये आ गया कॉन्टैक्ट, तो कॉन्टैक्ट लिखेंगे यहाँ पे कॉन्टैक्ट सिंपल, ओके, ये वाला ज़्यादा बेहतर लग रहा है। अब ये रेड में है नहीं क्योंकि जो बना बनाया फिर वो लेना पड़ता है, कॉपी इमेज एंड देन फिर आके Ctrl+V, ठीक है, यहाँ पे क्लिक कर दिया Ctrl+V, और यहाँ से मैजिक वॉन्ड टूल लेंगे, यहाँ से क्लिक करेंगे डिलीट देन डिलीट एंड देन डिलीट एंड देन डिलीट Ctrl+D डीसेलेक्ट Ctrl+T ट्रांसफॉर्मेशन, और ये हमने इसको थोड़ा छोटा किया और उसको ले जाके हमने यहाँ पे ऐड कर दिया। फाइनली देखिए वेबसाइट का सिंबल, तो वो आप कहाँ ऐड करेंगे, देखेंगे आप वेब सिंबल इन HD, ओके, ये वाला ज़्यादा बेहतर लग रहा है, तो उस पर क्लिक कर लेते हैं Ctrl+Copy एंड देन पेस्ट, मैजिक वॉन्ड टूल पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे क्लिक करके डिलीट करेंगे, ये डिलीट किया, ये डिलीट किया, ये डिलीट किया, Ctrl+D दबाया, ट्रांसफॉर्म एक्टिवेट किया, और ये
यहाँ पर रिलेक्ट कर रहे हैं, ठीक है करके अप्लाई कर दिया। ठीक है तो आपने देखा सारे सिंपल जो है क्लिक करेंगे। ओके तो ये देखिए आपने सारे सिंबल्स लगा दिए। अब टेक्स्ट के साथ आप यहाँ पे अपना डेटा डालते जाएंगे और ये पूरा आपका कंप्लीट हो जाएगा। फिर इनको भी एक ग्रुप में डाल देंगे तो ये इसकी वन साइड कंप्लीट हो जाएगी। सेकंड साइड फिर अलग से एक न्यू फाइल लेके उसमें बनाएंगे, फिर दोनों को कंबाइन करेंगे तो फिर जाके हमारा ये आईडी कार्ड का डिज़ाइन कम्प्लीट हो जाएगा। सही।